चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस को यहाँ दिया है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, ए से ओ से ए, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो अगर मैं इसको, इस ग्राफ को टाइम एक्सिस यहाँ बनाऊँ, डिस्प्लेसमेंट इधर बनाऊँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे जाएगा। ये ओ है, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है। ओ इनिशियल है, ये ओ इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, डी पॉइंट, फाइनल पॉइंट है। तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया ना, उसी लेवल पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम गुजरता रहा कोई फर्क नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो ये वैल्यू जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, करेक्ट है। इसको मैं इसको रिवर्स करके भी दिखा दे रहा हूं तुमको। इस ग्राफ को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, मैं इसको ले ले रहा हूं, इस ग्राफ को मैं ले रहा हूं, देखो इस ग्राफ को मैं ये ग्राफ ऐसा ही बन गया ना, रिवर्स कर दिया मैंने, देखो एक बार चेक करो, है ना, इधर रख दूँ, यहाँ बना दे ये, ठीक है। ग्राफ देखो, टाइम एक्सिस यहाँ पर है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ग्राफ ऐसा ही नहीं बन गया जैसे मैंने बनाया है, रिवर्स कर दिया मैंने बस। चलो नेक्स्ट कर